हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज दीपक ठाकुर और आज के विश्लेषण सीरीज में हम डिस्कस करेंगे यूनिफाइड गैस प्राइस सिस्टम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया टू हैव अ न्यू सिस्टम फॉर प्राइसिंग ऑफ द नेचुरल गैस, एंड इसी को आज हमने डिटेल में समझना है एंड साथ ही हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स। अब मैं डिस्कस करूँ इस सिस्टम के बारे में, उससे पहले हम जान लेते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इंडिया में। अभी यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ सोर्स एनर्जी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं या फिर हम जनरेट कर रहे हैं, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय कोल। ठीक है, मेजॉरिटी वहां से आता है हमारा, एंड ऐसे ही हाइड्रोकार्बन्स या रिन्यूएबल एनर्जी भी एक मेजर पोर्शन जो है कंट्रीब्यूट करता है इसमें। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉन्ट्स कि बाय 2020 हमारी जो नेचुरल गैस की जो एनर्जी एनर्जी प्रोडक्शन है वो हम इंक्रीज कर सके एंड इसकी कंजप्शन को भी हम बूस्ट दे सके। तो अभी ये जो प्रोडक्शन है ये 6-8% के बीच में वेरी करती है, इसी को हमने इंक्रीज करके 15% लेके आना है बाय 2022। अगर हम वर्ल्ड ओवर देखें तो अभी वर्ल्ड ओवर जो है 24% का शेयर रहता है सोर्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है, एंड इसी को हमने इंक्रीज करना है। एंड इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि इंडिया में अभी जैसे हम कोल की बात कर रहे थे दैट इज अवेलेबल इन इंडिया, बट हम बाकी जो सोर्सेज यूज करते हैं जैसे कि हम क्रूड ऑयल यूज करते हैं तो वो हमारा 80-84% जो है वो इंपोर्टेड रहता है। इसी तरह से जो नेचुरल गैस भी है वो 45% जो है वो दैट इज इंपोर्टेड गैस विच वी हैव। ठीक है, तो दैट इज अ रीजन कि हमारे जो डिपेंडेंस है उसे भी हमें रिड्यूस करना है। नेचुरल गैस का अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं इंडिया में दैट विल बी यूजफुल फॉर अस आल्सो एंड फॉर आर एनर्जी सिक्योरिटी आल्सो। ठीक है, एंड यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि जो गैस की कंजप्शन है उसका क्या स्टेटस है, हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ कंजप्शन है वो जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में हम यूज करते हैं। फर्टिलाइजर बनाने के लिए नेचुरल गैस का यूज किया जाता है तो 39% कंज्यूम यहाँ पर हो जाती है। एंड ऐसे ही पेट्रोकेमिकल्स एंड रिफाइनरी में हम जो है 13% यूज करते हैं। एंड इसके अपार्ट जो सेकेंड लार्जेस्ट यूटिलाइजेशन है या कंजप्शन है गैस का वो हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी हम यूज कर रहे हैं। एंड जो हमारे घरों में एलपीजी कनेक्शंस हैं या फिर कार्स में हम सीएनजी कनेक्शंस यूज करते हैं दैट काउंट टू 13%। ठीक है, तो दिस इज द कंजप्शन साइड कि हम बारह ये कंजप्शन यहाँ यहाँ पर हम कर पा रहे हैं। एंड अब हम बात करते हैं है रिगार्डिंग पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गैस की पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया उसके बारे में। बिकॉज इसे आप समझने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट अभी क्या प्रपोज कर रहा है और अभी ये गैस प्राइसिंग कैसे होती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप इस अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो यू विल सी कि जो मेजॉरिटी ऑफ सोर्स है फॉर दिस नेचुरल गैस वो आपके वेस्टर्न कोस्ट से आता है। ठीक है, बिकॉज जैसे मैंने बोला आपको 45% जो है हमारा इंपोर्टेड है नेचुरल गैस। ठीक है, तो इंपोर्ट हम इन्हीं इंस्टॉलेशन से करते हैं विच इज स्पेशलाइज्ड इन इम्पोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, सो यहाँ पे तीन जो पोर्ट हैं वो आप देखेंगे कि मुद्रा पोर्ट की हम बात कर रहे हैं या मुद्रा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड कर रहा है या फिर दहेज या हजारिया, ये जो बेसिकली तीनों साइट्स हैं ये गुजरात में आते हो। दैट इज द रीजन कि 25% ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हम कहते हैं नेचुरल गैस का वो गुजरात से सोर्स होता है। ठीक है, एंड ऐसे ही महाराष्ट्र में दोबोल जो है ये दाबोल ये महाराष्ट्र में जगह है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर दीज आर द पॉइंट्स कि जहां से हमारी जो जर्नी है नेचुरल गैस की वो आगे की तरफ बढ़ती है। अब जितना ये डिस्टेंस कवर अप करते हैं वैसे वैसे इनका रेट जो है वो इंक्रीज करता जाता है। जो हमारे वेस्ट साइड पर स्टेट्स हैं उनको ये कंपैरेटिवली नेचुरल गैस जो है सस्ता पड़ता है बिकॉज गैस को लेस पाइपलाइंस को जो है यूटिलाइज करना पड़ता है फॉर द ट्रांसपोर्ट। बट जैसे जैसे आप और ईस्टर्न साइड पर जाएंगे, चाहे बिहार में जाएं, यूपी में जाएं या इस हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाएं या फिर ऊपर चले अगर हम हिमाचल या पंजाब की बात करें, ठीक है, तो वैसे वैसे कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो दिस मैप शोज कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। एंड अब हम समझेंगे कि जो यूनिफाइड गैस प्राइस सिस्टम जो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है या प्रपोज किया है वो कैसे काम करेगा एंड अभी ये कैसे यहाँ पे चीजें वर्कआउट होती हैं। ठीक है,
तो गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि हम इस जो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का टैरिफ है इसको हम फिक्स कर लें, बिकॉज ये फिक्स करने से होगा कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रेवल हो रहा है तो कॉस्ट इतना ज़्यादा एक्सलेट नहीं करेगा कि इन स्टेट्स में जो टैरिफ है नेचुरल गैस का या रेट्स जो है नेचुरल गैस के वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएँ कि वो यूटिलाइज ही ना की जा सके, या वो स्टेट जो है उसे अफोर्ड ना कर सके, या फिर कंज्यूमर चाहे LPG में यूज़ कर रहे हो या CNG में यूज़ कर रहे हैं वो उसका इतना यूज़ ना करें, बिकॉज उनको फिर ये महंगा लगेगा। ठीक है, तो इसी को रैशनलाइज करने की कोशिश है, इस यूनिफाइड गैस प्राइसिंग सिस्टम की रैशनलाइज करना है इसको। एंड ये सब कुछ कौन सी पार्टी कर रही है? इट इज डन बाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी व्हिच इज इंप्लीमेंटिंग दिस एंड व्हिच हैज प्रपोज दिस आल्सो। ठीक है, तो इसको हम आगे समझेंगे, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी ये प्राइसिंग कैसे की जाती है। तो अभी ये प्राइसिंग बेसिकली, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये डिस्टेंस के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कितना कॉस्टिंग इसका रहेगा। एंड इसके लिए तीन जोन्स में डिवाइड किया जाता है। दीज जोन्स आर बेस्ड ऑन 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर में एक क्रेटा है, जो 300 किलोमीटर क्रॉस करता है देन कॉस्ट जो है और एस्केलेट हो जाती है। एंड यही कॉस्ट और भी ज्यादा एस्केलेट हो जाती है जब आप एक कंपनी की पाइपलाइन को यूज करते हो दूसरी कंपनी की पाइपलाइन यूज करते हो। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ टोल प्लाजा की, अगर आपने एक टोल प्लाजा क्रॉस किया तो वहां पे कुछ रेट था, देन आपको नेक्स्ट टोल प्लाजा मिल गया, आपने कहीं और टर्न ले लिया तो एक नेक्स्ट टोल प्लाजा मिल गया, तो वहां पे कॉस्ट और एक्सलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी चाह रहा है कि हम एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आए। ठीक है, सो दैट इस ये जो कॉस्टिंग है हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट जो बायर को पड़ने वाली है उसको हम जितना रिड्यूस कर सकें वो गवर्नमेंट की कोशिश है इसमें। ठीक है, सो दैट इसकी हम कंजप्शन जो है नेशनल लेवल पर बढ़ा सकें। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया है इसमें? गवर्नमेंट हैज प्रपोज कि इसे हम फिक्स करेंगे फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है, अब लॉन्गर डिस्टेंस का मतलब ये है कि 300 किलोमीटर तक तो एक रेट रहेगा, उसके बाद जो प्राइस इंक्रीज होगा दैट विल बी फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। ऐसा नहीं है कि वो पर किलोमीटर वाइज इंक्रीज ही होता जाए। ठीक है, दैट इज टू बी टेकन केयर हो टेकन केयर ऑफ, एंड दिस इज अ प्रपोजल विच गवर्नमेंट हैज प्रपोज। एंड इससे क्या होगा? फिक्स टैरिफ प्राइस विद इन द इंटीग्रेटेड पाइपलाइन नेटवर्क सच एज गेल। ठीक है, तो जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है यहाँ पर इसी तरह से और भी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अब ऐसा नहीं होगा इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद इस प्रपोजल की, कि एक कंपनी से अगर दूसरी कंपनी की गैस पाइपलाइन यूज की जा रही है तो फिर से जो रेट इंक्रीज हो जाए। इट विल बी डिपेंडिंग स्पेसिफिकली ऑन द डिस्टेंस द गैस ट्रेवल्ड, एंड वो भी हम लिमिट करेंगे इन द पीरियड ऑफ 300 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर, बिकॉज इस जब नेचुरल गैस की प्राइसिंग कम होगी तो अल्टीमेटली जो वो गैस कंज्यूम कर रहा है चाहे अपनी कार्स में या अपने किचन में, वो उसकी भी कॉस्टिंग फिर हम इंक्रीज कर पाएंगे। एंड स्पेसिफिकली दिस इज गोइंग टू बेनिफिशियल बेनिफिट फॉर द आर ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स की बात करें या फिर नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें, ये सभी को बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, एंड इसी तरह से और यूजफुल टॉपिक्स हम आपको लेके आते रहेंगे इसी सीरीज में, इन डिटेल एक्सप्लेन करते रहेंगे। एंड हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी और वीडियोस आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आ रहे हैं आप उन्हें ही फॉलो करना है। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर प्रेसियस टाइम।